भोपाल में ट्रैफिक एसीपी पराग खरे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे होटल संचालक को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो भोपाल स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 स्थित ब्रजवासी भोजनालय का है, जहां एसीपी पराग होटल संचालक को धमकाते हुए कैमरे में कैद हो गए। वहीं जब इस सबके बारे में एसीपी से पूछा गया तो वे इस पूरे मामले से मुकरते नजर आए। भोपाल के मेन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के सामने होटल ब्रजवासी भोजनालय के संचालक अंकित वाजपेयी को धमकाते हुए ट्रैफिक एसीपी पराग खरे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में वे होटल संचालक को धमकाते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद होटल संचालक ने इस मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त से भी की। वह इस घटनाक्रम पर एसीपी पराग खरे का कहना है कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। अंकित वाजपेयी ने बताया कि 8 फरवरी को दोपहर में ट्रैफिक एसीपी पराग खरे अपने 4 पुलिसकर्मियों के साथ उनके होटल आए और उनको धमकाते हुए कहा कि उन्होंने होटल की जमीन 15 लाख रुपए में मकान मालिक सोहराब और शोएब से खरीद ली है। अब वह नए मकान मालिक है, उसे किराया दें। उनके साथ मकान मालिक सोहराब और शोएब भी थे। इस पूरे मामले में अंकित वाजपेयी ने पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर को भी शिकायत की है और उनको धमकाने और मारपीट करने का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस आयुक्त को दिया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।